हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय। ये कहानी एक गांव में रहने वाले रसोइये की है जिसका नाम था पुरुषोत्तम। अगल बगल के गांव में किसी के यहाँ कोई भी खास अवसर होता तो वे पुरुषोत्तम को बुलाते। एक बार एक गाँव के मुखिया के घर शादी थी। पुरुषोत्तम ने उस शादी के लिए पकवान बनाए। शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुखिया ने पुरुषोत्तम को मिठाइयाँ दी। पुरुषोत्तम उन मिठाइयों को लेकर धीरे धीरे एक जंगल से होता हुआ गुजर रहा था। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम के लिए रास्ता जाना पहचाना था, वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर और आगे जाने के बाद एक इमली के पेड़ के पास पहुँचा और उसके पास पहुँचते ही एक चुड़ैल सामने आ गई। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं सुबह से भूखी हूँ, बहुत समय से इंसान का मांस भी नहीं खाया। पुरुषोत्तम चुड़ैल को देखकर डरा नहीं और बोला, अगर तुम मुझे मारकर खाओगी तो फिर कभी इस रास्ते से कोई दूसरा इंसान नहीं गुजरेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे मांस से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ दे सकता हूँ। मिठाइयाँ दिखाओ तो जरा। पुरुषोत्तम ने डलिया खोली और कहा, ये देखो, लड्डू हैं, अनरसे हैं, पूरन पोड़ी है, पेड़े हैं, इमरती हैं। आओ जरा चखो तो। तो चुड़ैल बोली, अच्छा तो लाओ खाएं जरा। और चुड़ैल ने गपागप सारी मिठाइयाँ खा ली। यम्मी, और भी हैं? खत्म हो गई? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कल और लेकर आऊँगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे इन मिठाइयों को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। और चीजों के लिए पैसे। भूत पेड़ की गुफा में गई और 2 मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के ले आई और पुरुषोत्तम को थमा दिए। मिठाई की डलिया अब सोने के सिक्कों से भर गई थी। अगर तुम रोज मेरे लिए मिठाई लेकर आओगे तो बदले में मैं भी तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। ये कहकर चुड़ैल चली गई। पुरुषोत्तम ने चैन की सांस ली और ईश्वर का नाम लेते हुए अपने घर आ गया। घर पहुँचते ही उसने अपनी पत्नी के सामने सोने के सिक्के रखे और उसे पूरी घटना कह डाली। उसकी पत्नी चुड़ैल से उसके पति की जान बच जाने से बहुत खुश थी। इन सोने के सिक्कों से हमारी 2 पुश्तों का जीवन आराम से चलेगा। ये बहुत है, भूतों का कोई भरोसा नहीं। तुम उस रास्ते फिर नहीं जाना। तुम ठीक कहती हो, हमें जो मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तभी पास के गांव की एक औरत जो पुरुषोत्तम को अपने यहाँ की एक शादी में खाना बनाने के लिए बताने आई थी, उसने सारी बातें सुन ली और सोने के सिक्के भी देख लिए। तुरंत वो अपने घर आई और अपने पति ध्रुव को सब कुछ बताया। अजीब वो बेवकूफ पुरुषोत्तम अब उस भूत के पास फिर नहीं जाएगा। मैं लड्डू, पेड़े और भी मिठाइयाँ बनाकर देती हूँ। तुम कल रात वो मिठाइयाँ लेकर उस भूत के पास जाओ और सोने के सिक्के लेकर आओ। चुड़ैल से रोज सोने के सिक्के पाने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सुनकर उसका पति ध्रुव भी बहुत खुश हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही औरत ने सारी चीजें मंगाई और फिर उनसे तैयार किए लड्डू, पूरन पोड़ी, पेड़े और इमरती, जिन्हें लेकर ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ा। उसी इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा तो चुड़ैल सामने आ गई। तुम मिठाई लाए? ध्रुव ने सारी मिठाइयाँ चुड़ैल के सामने रख दी। चुड़ैल ने सारी मिठाइयाँ खा ली और बदले में 2 मुट्ठी भर सोने के सिक्के दिए। तुम रोज मिठाई लेकर आओ और बदले में सोने के सिक्के लेकर जाओ। ध्रुव और सोने के सिक्के पाना चाहता था, लेकिन वो पुरुषोत्तम की तरह साहसी नहीं था। जब तक चुड़ैल उसके सामने थी, वो अंदर से डर के मारे कांप रहा था। वो अपने घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, ये है तो बड़े मुनाफे का काम, लेकिन मैं फिर उस चुड़ैल से मिलने से बहुत डर रहा हूँ। ध्रुव की पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, चुड़ैल पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर देती है ना? अगर हम एक ही बार में वो सारे सिक्के गुफा से ले ले तो फिर बार बार भूत के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्रुव को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और सुबह होने से पहले ही इमली के पेड़ के पास पहुँच गया। उस कुल्हाड़ी से उसने पेड़ की गुफा तोड़ डाली। उस गुफा के अंदर ध्रुव को कोयले के अलावा और कुछ नहीं मिला। ध्रुव को लगा कि उसकी पत्नी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वो कुछ कोयले घर ले आया। दिखाने के बाद उसने उन्हें कोने में फेंक दिया। जैसे ही कोयला जमीन पर गिरा,
पूरे घर ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने जल के राख हो गया। ध्रुव का सब कुछ खत्म हो चुका था, बस वे पति पत्नी जिंदा थे। उन्होंने उसी वक्त उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। उन्हें एक ही बात का अफसोस बार बार हो रहा था कि उन्होंने लालच क्यों किया। लालच बुरी बला है। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.